अलहाज मोहम्मद सलीम साबिक चेयरमैन रियासती हज कमेटी तेलंगाना की जानिब से आज़मीन हज के लिए तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती सादिक मोहीउद्दीन फ़हीम, मौलाना मुफ्ती ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी, मौलाना अहसन बिन अब्दुलरहमान अलहमूमी, मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा, हामिद मोहम्मद ख़ान ने मुखातिब करते हुए आज़मीन हज पर ज़ोर दिया कि वह मनासिक हज पर खुसूसी तवज्जो दें और अरकान की अदायगी के दौरान सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। उलमाए किराम ने आज़मीन से ख्वाहिश की कि अल्लाह ताला आज़मीन हज की दुआओं को रद्द नहीं करते, इसीलिए आपको चाहिए कि आप अपने अरकान खानदान के बशमूल उम्मत मुसलिमा को भी खुसूसी तौर पर दुआओं में शामिल हाल रखें ताकि अपने वतन अजीज़ हिंदुस्तान के अलावा फ़लस्तीन व दीगर मुस्लिम ममालिक के हालात में बेहतरी पैदा हो। मौलाना मुफ्ती ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी ने आज़मीन से ख्वाहिश की कि वह आदाब मदीन मुनवरा और उसकी अजमत व तकद्दस को हर हाल में मलूज रखें। उन्होंने सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करते हुए कहा कि मदीन पाक में अपनी आवाज़ को बुलंद ना करने का मशवरा दिया और वहाँ की किसी चीज बरकरार कसने को मना फरमाया। अब्दुल वाहिद सऊदी एयरलाइंस इरफान शरीफ असिस्टेंट सेक्रेटरी रियासती हज कमेटी ने मुखातिब करते हुए सफर हज के दौरान पेश आने वाली दुश्वारियों और उसके तदारुक के लिए दरपेश इकदाम से मुतालिक लॉजिस्टिक इशूज़ पर तफसीली रोशनी डालते हुए सफरी उमूर से वाकिफ करवाया। मोहम्मद सलीम ने खिताब करते हुए कहा कि आज़मीन हज के लिए तरबियती प्रोग्रामों का इनेकाद ये मेरे लिए किसी एजाज़ से कम नहीं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ये सआदत कई मरतबा अता की है जिसका मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार भी हूँ। उन्होंने आज़मीन पर ज़ोर दिया कि वह हज के दौरान गिड़गिड़ा कर सजदे की हालत में उम्मत मुसलिमा के लिए दुआएँ करें। अल्लाह का करम है कि आज हाजियों का हम लोग करें और अब से नहीं 96-97 से जो है हम हाजियों की खिदमत करते आ रहे हैं, अल्लाह उसको कबूल करे। और हर साल की तरह इस साल भी जो है हमारे मुफ्ती उल्मा वगैरह मशायख, हमारे सादिक मोहीउद्दीन साहब और हमारे ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब, प्रोफेसर अब्दुल मजीद साहब और हमारे यूसुफ अजहर साहब मौलाना और उमामी साहब पब्लिक गार्डन मस्जिद के इमाम साहब और जाफर पाशा साहब, रिजवान कुरैशी साहब मक्का मस्जिद के इमाम साहब, ऐसे हामिद मोहम्मद ख़ान साहब और ऐसे कई हमारे उलमाए मशाखिन जो है आज आकर हाजियों को मुखातिब कर रहे हैं। उन लोगों को तरबियती कैंप जो था हमारा उसको अल्लाह के करम से कामयाब हुआ और हम हाजियों के लिए खिदमत करने के लिए हमेशा अवेलेबल है। पोस्ट रहना ज़रूरी नहीं है, बगैर पोस्ट के हम लोग काम करते रहेंगे जब तक सांस हमारी है। हम हाजियों की खिदमत करेंगे और भी आवाम की खिदमत करते रहेंगे। ये और ये नहीं है कि कुछ शो पुट अप करना है, कोई पॉलिटिकल डाइस नहीं बनाए हम, बगैर पॉलिटिकल डाइस था आज। और अल्लाह के करम से सिर्फ उलमाए मशाखिनी VIP है हमारे और हाजियाँ भी VIP है हमारे। और हम ये मिनिस्टरों को और ये किसको भी बुला के हम VIP नहीं, VIP का दर्जा मुफ्ती आलिम हाफिज़ उनको देना है, उसके बाद सब जने हैं।